नगर परिषद हमीरपुर में सफाई व्यवस्था का जिम्मा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हवाले है। नगर परिषद में पिछले 20 वर्षों से सैनिटरी इंस्पेक्टर का पद खाली है। कोरोना संकट काल में भी यहां पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ना होने की वजह से स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े कार्यों को करवाने में नगर परिषद को खासी दिक्कतें पेश आई। कोरोना संकट काल की वजह से इन दिनों हमीरपुर शहर में स्वच्छता से जुड़ा अधिकतर कार्य हो रहा है, लेकिन स्वच्छता के इस कार्य का निरीक्षण करने वाला अधिकारी ही नगर परिषद के पास मौजूद नहीं है। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर ने कहा कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का पद खाली है, जिस वजह से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से काम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है। नगर परिषद में सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट लगभग 20 वर्षों से खाली पड़ी हुई है। शहर में अधिकतर आज की डेट में अधिकतर कार्य सैनिटेशन का है, तो इस कार्य को करने के लिए हमने अपने कार्यालय का एक क्लास चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी लगाया है, जिसको पूरी शहर की सैनिटेशन की जिम्मेवारी सौंपी है। फिर भी हमारा कार्य उतना सही ढंग से नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हमें सैनिटरी इंस्पेक्टर ना होने के कारण समस्या आ रही है। इसके अतिरिक्त जेई भी हमारे पास इस समय नियमित रूप से नहीं है। अस्थाई तौर पर हमें जेई नगर पंचायत 7 लाई का दिया है, तो अब उनको निदेशक महोदय शहर विकास विभाग ने आदेश दिए हैं कि 4 दिन वो यहाँ बैठेंगे, तो हो सकता है हमारे कार्यों विकास कार्यों में थोड़ी तेजी आए। आपको बता दें कि शहर में सफाई व्यवस्था का काम एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सहारे चल रहा है, लेकिन इन दिनों सफाई का कार्य आम दिनों के मुकाबले अधिक है, जिस वजह से परेशानियां पेश आ रही हैं। इसके अलावा नगर परिषद हमीरपुर के कनिष्ठ अभियंता का पद भी लंबे समय से खाली है। यहां पर डेप्यूटेशन आधार पर एक जेई को तैनात किया गया है, लेकिन स्थायी नियुक्ति ना होने की वजह से विकास कार्य शहर में प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ स्वच्छता के कार्य पिछड़ रहे हैं, तो वहीं विकास कार्यों को भी गति नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।